गाइस, मैं वैशाली धानिक आपकी दोस्त और आपकी होस्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। कभी ही मैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र फिल्म जगत के सबसे चमकते सितारे हुआ करते थे, मगर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और वक्त के साथ साथ उन्होंने अभी फिल्मी दुनिया से अलविदा कह दिया है और इन दिनों वो अपना पूरा समय अपने परिवार को दे रहे हैं। हालांकि इन तमाम दूरियों के बाद भी सुपर हीरो धर्मेंद्र किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाया करते हैं। वैसे भी उनके चहेते हमेशा उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक तो रहते ही हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों धर्मेंद्र अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर सुर्खियों में हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बेहद ही खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी, जिसे लोग ड्रीम गर्ल के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्री में मशहूर हैं और आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी पर बात नहीं करना चाहती, मगर ये पहली बार होगा जब उन्होंने इस मामले पर खुलकर बात की है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हेमा ने इस बार न सिर्फ अपने पति धर्मेंद्र बल्कि उनकी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में भी कई सारी बातें बताई हैं और कई बड़े बड़े खुलासे भी किए, जिसे जानकर उनके फैंस भी काफी खुश हो जाएंगे। असल में ये बात भी साफ है कि हेमा बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही साफ दिल की हैं, जिनका पता इस बात से चलता है। संभव है कि आज भी बहुत सारे फैंस इस बात से बेखबर होंगे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पहली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी पत्नी है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी थी प्रकाश कौर, मगर ये उन दिनों की बात है जब इन दोनों कलाकारों ने कई हिट फिल्मों के साथ साथ काम किया था और इसी बीच धर्मेंद्र कब हेमा को दिल दे बैठे पता ही नहीं चला। हालांकि हेमा को उनके बारे में सब कुछ पता था और शादी करने से पहले धर्मेंद्र ने ये भी कहा था कि वो अपनी पहली पत्नी से अलग नहीं हो सकते। हेमा ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ये फैसला लिया कि वो धर्मेंद्र से शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी के परिवार को टूटता हुआ भी नहीं देखना चाहती। शायद यही वजह रही है कि उन्होंने कभी भी धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की लाइफ में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अपनी बेमिसाल प्रेम कहानी के बारे में बताते हुए हेमा कहती हैं कि जिस पल मैंने धर्मेंद्र को देखा था उसी पल उनसे प्यार हो गया। देखते ही ऐसा महसूस हुआ कि ये ही है मेरे लिए बने हैं और इनके अलावा और कोई दूसरा मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। आपको बता दें कि हेमा और धर्मेंद्र की शादी इतनी आसानी से नहीं हो गई थी, इसमें कई दो नहीं बल्कि कई सारी अड़चने आई थी। हेमा के माँ बाप इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर किसी भी तरह दोनों ने हर मुश्किल का सामना करते हुए शादी कर ही ली और आज दोनों बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बिता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि शादी के इतने सालों बाद भी दोनों के बीच में अभी भी प्यार बना हुआ है। और हेमा ने ये भी खुलासा किया कि वो कभी भी प्रकाश कौर के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो प्रकाश कौर को दुखी नहीं करना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम लाइफ में। धन्यवाद।